मैं म्यूट पे बोल रहा था शायद एक मिनट ओके आ, मेरी आवाज आ रही है ना आपको हाँ सर ओके ओके मैं म्यूट पे ही बोल रहा था ठीक है एक अभी हम जो टॉपिक देख रहे हैं आज वो गीट करके टॉपिक है ओके और ये एक आ, टूल है आ, उसको हम बोलते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या होता है ये कोडिंग वाला टूल नहीं है यहाँ पे हम ऐसे कुछ कोड नहीं करते हैं इसमें बट हमारा जो कोड रहता है वो एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए ये यूज होता है जैसे सपोज हम अभी वीडियो बना रहे हैं राइट तो ये अगर वीडियो सेव होने के बाद मुझे आपको देना है तो मैं क्या करता हूँ आपको एक तो यूट्यूब पे डालता हूँ और नहीं तो गूगल ड्राइव पे डालता हूँ राइट तो मतलब एक कहीं पे तो भी मैं प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो डालूंगा और वहां से वो आप एक्सेस कर सकते हो मतलब दोनों को वहां पे एक्सेस है दोनों का वहां पे प्रोफाइल बना हुआ राइट तो सेम वे एक गेट नाम का एक टूल है वो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम मतलब जो सिस्टम इसको बोलते हैं कि वीडियो प्लेटफॉर्म है ओके और गूगल ड्राइव क्या है कि, आ, है, क्या है कि आ, फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है ओके वैसे ही वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं अपना कोड डालते हैं तो कोड डालते हैं तो उसके अलग अलग वर्जन होते हैं वर्जन मतलब कैसे जैसे मैंने आ, आज आज कुछ कोड लिखा था फर्स्ट इसके लिए सपोज मैंने जावा का इफ लूप वाला और फॉर फॉर स्टेटमेंट इफ फॉर लूप वैसे वाला कोड लिखा है वो आप वो मैंने आज लिखा ओके okay? तो मैं कल क्या करूँगा कल और कुछ लिखूंगा तो मतलब उसमें मैंने कुछ मॉडिफाई कर दिया मेरी चीजें राइट right? और उसके बाद मैं और एक क्लास लूंगा तो और एक नई चीज उसमें ऐड हो जाएगी तो वैसे ही हर एक टाइम अलग अलग वर्जन uh, और अलग अलग उसमें चेंजेस होते रहते हैं तो जैसे हमने देखा था कि हर एक रिलीज जो हमारी जाती है जैसे हमने एकदम स्टार्ट में देखा था कि आ, इसमें अपने ऑटोमेशन और मैनुअल टेस्टिंग के इसमें देखा था कि आ, हर एक अलग अलग रिलीज जाती है उसके साथ अलग अलग फीचर्स जाते रहते हैं ओके आज एक रिलीज सेंड कर दिया फिर उसके बाद वो टेस्ट होगा फिर नेक्स्ट वाली रिलीज जाएगी जैसे आ, फिर उसके बाद हम टेस्ट करेंगे तो वो आ, हर एक रिलीज में अपना अलग अलग कोड रहता है नेक्स्ट टाइम अलग कोड जाता है तो हर एक कोड को मैनेज करने के लिए ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम हम यूज करते हैं ओके okay. तो हम एक एक आ, देखते हैं कि ये कैसे यूज होता है ओके okay. तो जो टूल हम अभी देखने वाले हैं उसको आ, वो गेट गेट नाम का टूल है जी तो इट्स वर्जन कंट्रोल टूल देन इट हेल्प्स टू किट कीप अ ट्रैक ऑफ योर कोड मतलब कोड कहाँ तक किसने मतलब यहाँ पे ये भी पता चलता है कि ये वाला कोड किसने लिखा मतलब शायद आ, एक कोड में सपोज अभी डेवलपर दो तीन डेवलपर काम कर रहे हैं एक ही प्रोजेक्ट पे तो हर एक डेवलपर अलग अलग कोड लिखेगा अलग अलग फंक्शनैलिटी का तो कौन से डेवलपर ने क्या कोड लिखा है किसने कहाँ पे क्या चेंजेस किए वो सब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ट्रैक द कोड और कोलेबरेट कोलेबोरेशन होता है मतलब दो तीन लोग एक साथ काम कर रहे हैं ना तो इसलिए वो कोलेबोरेशन हो गया तो आ, ये करने के लिए हमें गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा ओके गेट स्टार्टेड व्हाट डस Git do. तो ये क्या करता है हमारा जो प्रोजेक्ट रहेगा मतलब जो भी कोड है उसको हम रिपोजिटरीज बोलते हैं जो जो कोड हम जहाँ पे रखते हैं उसको रिपोजिटरी बोलते हैं और अगर वो सपोज मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है ओके okay, सपोज मैं जाता हूँ वेब ड्राइवर ओके मुझे अभी किसी ने अगर कुछ कोड लिखा हुआ है तो मुझे देखना है तो क्या होता है ये गिट ऑन पब्लिक सॉफ्टवेयर है तो उसमें अगर हमें फ्री अकाउंट अगर चाहिए तो हम जो कोड लिखते हैं वो सबको दिखना चाहिए कैसे होता है अभी ये ये कोई तो भी बंदा है इसने ये वाला कोड लिखा हुआ है पूरा का पूरा ओके और हम इसका कोड देख सकते हैं तो ये वेबसाइट है गिट Git का गिट हब ओके और इसने ये सेलिनियम एच करके और सेलिनियम का एक फोल्डर uh, बना के यहाँ पे पूरा सेलिनियम का जो ऑटोमेशन का कोड है उसका वो उसने पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है ओके okay? अभी अगर आप इसमें जाके देखते हो जावा में तो उसके बाद यहाँ पे सोर्स फाइल्स ओके फिर सोर्स फाइल में अगर मैं जाता हूँ सेलिनियम uh, में ओके okay, इसमें वेब ड्राइवर्स के ऐसे अलग अलग जावा के कोड्स इसमें लिखे हुए हैं ओके okay? जो भी हम कोड लिखते हैं फिर अभी मैं इसका इसका कोड देख सकता हूँ राइट अभी ये जावा का फाइल है तो मैं जावा का फाइल भी देख सकता हूँ ये, ये सब फाइल में डाउनलोड करके मैं खुद इसको चेंजेस करके मैं खुद के लिए यूज कर सकता हूँ तो ऐसे अगर अगर फ्री अकाउंट रहता है तो हम पब्लिक के साथ शेयर भी कर सकते हैं जैसे हम यूट्यूब पे किसी का भी वीडियो जाके देख सकते हैं राइट किसी ने कुछ अपलोड किया होगा अगर किसी ने यू, यूट्यूब पे वीडियो डाला है कि हाउ टू यूज फॉर लुपिंग जावा Okay, तो वैसे हम जाके सर्च करते हैं और देखते हैं तो वैसे अगर हमें कुछ कोड सर्च करना है अगर कुछ बड़े कोड है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लोगों ने कोड डाले हुए रहते हैं हम वो सब कोड देख सकते हैं ओके okay, तो ये उसका नॉर्मल वेबसाइट है ओके okay, तो ये जो कोड हर एक का लिखा हुआ है जैसे हम बोलते हैं कि इसका ये आ, चैनल है चैनल वगैरह उसमें उसमें डाला है तो वैसे ही इसमें होता है रिपोजिटरी जो भी एक कोड लिखा होगा वो उसका हो गया सेलैनियम का उस कोड का रिपोजिटरी ओके फिर अगर उसको हमें अपने लोकल पे कॉपी करना है उसको कोड को उसका कोड हमें कॉपी करके लेना है जैसे हम वीडियो डाउनलोड करते हैं वैसे अगर हमें इस, इसका इसका कोड हमें खुद के मशीन पर डाउनलोड करना है तो हम यहाँ पे देखो यहाँ पे थ्री डॉट्स आते हैं यहाँ पे कॉपी पाथ और यहाँ पे मैं साइन अप नहीं हूँ इसलिए में भी कुछ इश्यू आ सकता है बट यहाँ से साइन अप साइन इन करता हूँ मैं <coughs> कौन थे नहीं है सर जीमेल गलत है Gmail. अच्छा अच्छा जीमेल की स्पेलिंग गलत है जीमेल पे भेजा होगा उसने कोड ओके okay. आप इस इस पे जाके आपका खुद का अकाउंट बना लो इतना कुछ मतलब डिफिकल्ट नहीं है फोर जीरो सिक्स ओके तो ये ओपन हो गया अभी अभी मेरा ये प्रोफाइल है अगर आप अगर मेरे प्रोफाइल में अभी ये वाला दिखा देता हूँ यहाँ पे अगर जाओगे इस पे सेल नेम पे जाता हूँ मैं ओके okay, हाँ ये ये हम उसके आ, होम पेज पे चलेगा मतलब कोड कोड जहाँ पे मेन पड़ा हुआ है यहाँ पे कोड पे अगर क्लिक करोगे तो ये अलग 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 ये आता है यू आर एल्स मिलते हैं हमें डाउनलोड करने के लिए एच टी टी पी है ये ऐसे सैच करके है मतलब तो ये सब अंडर आता है क्लोन के क्लोन का मतलब हमें डाउनलोड करना है तो ये हम डायरेक्टली जिप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये पूरा का पूरा कोड डाउनलोड हो जाएगा ओके तो ऐसे करके हम किसी का कोड ले सकते हैं अगर मैं मेरे प्रोफाइल में जाता हूँ मैंने कुछ किया नहीं है बहुत दिनों से यहाँ पे ना इन, इनका अच्छा दिखता है कि अगर आपने कहीं पे कुछ अपडेट किया होगा तो मैंने बहुत सालों से कुछ किया नहीं शायद इसमें यहाँ पे कुछ डाला था ठीक है ऐसे मतलब जैसे रिपोजिटरीज़ है रिपोजिटरीज़ मतलब मेरे अलग अलग प्रोजेक्ट जैसे मैंने दो तीन प्रोजेक्ट यहाँ पे डाले थे तो ऐसे ही मतलब हम जैसे वीडियो डालते हैं वैसे यहाँ पे डाल सकते हैं और ये हर एक जैसे ये वाला आ, हमारा खुद का अकाउंट हो गया वैसे ही हर एक आ, जो ये होता है सॉफ्टवेयर होता है और जो भी हमारा इसको चालू ही रखता हूँ मैं ऐसे आप आपका जो आप जब कोई भी प्रोजेक्ट डाउनलोड ज्वाइन करोगे तब आपके प्रोजेक्ट में आपको उन, उनका कोड कहीं पे लिखा होगा होगा राइट और आपको वो गेट का परमिशन देंगे और वहां से एक्सेस करके आप उनका कोड एक्सेस कर सकते हो ओके okay. फिर उसमें ये स्टेजिंग और कमिट क्या होता है हम आगे देखेंगे ब्रांच ब्रांच क्या होता है कि हर एक अलग अलग लोग अलग अलग कोड लिखते हैं और वो उस कोड का क्या होता है कि वो चेंज होता रहता है या किसी किसी कोई बंदा किसी पे काम कर रहा है कोई बंदा किसी पे काम कर रहा है तो वो क्या करते हैं अलग अलग ब्रांचेस बनाते हैं जैसे ये देखो आ, उसमें कुछ नया नया मॉडिफाई होता रहता है राइट कुछ नया मॉडिफाई करने के लिए क्या करते हैं अगर मुझे कुछ नया मॉडिफाई करना है तो मैं क्या करूंगा इसको कॉपी कर लूंगा और इसका एक अलग से ब्रांच बना लूंगा जैसे पेड़ की ब्रांच होती है राइट एक नॉर्मल चलता रहता है और ऊपर जाके उसके दो ब्रांच बन जाते हैं तो दो ब्रांच सेपरेट हो जाते हैं फिर हमें जो भी काम करना है हम उस साइड वाले ब्रांच पे काम करते हैं और फिर उसका काम हो गया तो फिर वो बाद में वापस से मेन ब्रांच को कनेक्ट कर देते हैं ओके तो यहाँ पे अगर एक पुल रिक्वेस्ट ये दिखाता हूँ मैं इसमें आपको ठीक है आगे चल के देखते हैं वो वाला पार्ट ओके okay. और ये बाकी के भी जो नए नए वर्ड्स आ रहे हैं ना ये भी हम एक एक करके देखते हैं तो उसके कुछ फीचर्स है कि आ, ये अच्छा टूल है कि कोलेब्रेशन करने के लिए वगैरह स्टार्टेड। okay. तो आप, आपके लोकल पे उसको जैसे ये आ, ये वाला थोड़ा किट हब है और इसको आप ऑनलाइन कर सकते हो और इस इसका एक आ, ये जैसे ऑनलाइन है राइट तो यहाँ पे आप डाउनलोड वगैरह सब कर सकते हो बट आपको अगर यहाँ पे कुछ डालना है तो आ, तो आपको एक खुद का एक टूल भी चाहिए होता है ओके okay. इंस्टॉल किया हुआ तो ये विंडोज के लिए मैं आप ये यहाँ पे जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो अभी मेरे पास इंस्टॉल्ड होगा सी एम डीटन वर्जन में करता हूँ वर्जन है तो मेरे पास अभी गीट का टू पॉइंट थ्री थ्री जीरो डॉट वन अवेलेबल है अभी जो लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में अभी वो है टू पॉइंट थ्री फाइव हाइफन वन डॉट वन ओके तो आप ये कौन सा भी लेटेस्ट वर्जन विंडोज सिक्सटी फोर बिट के लिए डाउनलोड कर सकते हो ओके okay, फिर जैसे उसका नॉर्मल प्रोसेस है डाउनलोड करके नेक्स्ट नेक्स्ट -नेक्स करके उसको इंस्टॉल कर दो और कमांड लाइन से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो बट तो नॉर्मली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना ये कमांड से मैं पता चल जाता है कि कौन सा वर्जन अवेलेबल है हमारे पास जो डाउनलोड किया हुआ ओके, okay. फिर उसके लिए हम यूजर नेम पासवर्ड सेट कर सकते हैं अभी डायरेक्टली करने की जरूरत है नहीं और ये तो जो सब होता है जैसे आप कोड लिखते हो तो आपको ऐसे कमांड कमांड डाल के सब करना होता है ओके okay. फिर अगर इससे बचना है आपको कमांड से डायरेक्टली खेलना नहीं है तो और एक टूल आता है एक्सटेंशन ओके okay. तो आप ये वाला टूल डाउनलोड कर सकते हो ओके ये सोर्स कोड है ओके okay, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो पर गिट इंस्टॉल करके डाउनलोड कर लेना गिट कंपलसरी है और डायरेक्टली जस्ट गिट अगर यूज करना है तो वो सब आपको आ, कमांड प्रॉम से यूज करना पड़ता है मतलब आपको आ, ऐसे खुद से अलग अलग कमांड डालनी पड़ती है गिट स्टेटस एंड ऑल ओके okay, अगर वो नहीं करना है आपको एक यूजर इंटरफेस भी दिया जाता है ओके okay, ये वाला और यहाँ पे गिट एक्सटेंशन डाउनलोड हो रहा है तो मैं आपको मेरा वाला दिखाता हूँ okay, यहाँ पे जब डालता हूँ गिट ओके okay, ये गिट एक्सटेंशन आ गया ओके okay, और जब आप नॉर्मल गिट इंस्टॉल करते हो तो आपको ये दो तीन चीजें इंस्टॉल मिलेगी गिट बैश गिट जी आई गिट सी एम डी ओके okay? तो गिट बैश ओपन करके एक ये भी कमांड प्रॉम्प्ट जैसा ओपन होता है और इसमें सब कमांड डाल के आप यहाँ पे कुछ फाइल नहीं है इसलिए वो एरर देगा ओके okay? यहाँ पे आप सब कमांड डाल के सब चेक कर सकते हो बट आपको अगर कमांड से नहीं खेलना है तो डायरेक्टली ये वाला एक टूल आता है गिट एक्सटेंशन ओके ये जब ओपन होगा तब आपको दो तीन चीज़ें आप आ, कर सकते हो जैसे कॉन्फ़िगरेशन में जाके ओके यहाँ पे आपका यूज़र नेम ईमेल आईडी डी ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा जनरल में कोई डालने की जरूरत नहीं है ओके okay. ये आपका पहला ये आएगा विंडो इसको अगर आप क्लोज कर दोगे तो आपका ये वाला खुल जाता है वो वाला जो फर्स्ट टाइम आता है वो सेटिंग्स होता है इसका जैसे मैं इसमें जाके रिसेंट रिपोजिटरी सेटिंग करता हूँ तो ये ऐसे ओपन होता है और एक सेटिंग है सेटिंग्स ओके सेटिंग्स में जाते हैं तो वो वाला पेज ओपन होता तो है जो आपका स्टार्ट में आया था उसको अगर आप क्लोज कर देते हो तो ये गिट एक्सटेंशन वाला ये लॉन्च हो जाता है ओके तो अभी यहाँ पे आप जैसे फाइल फोल्डर में फोल्डर वगैरह क्रिएट करते हो वैसे ही आपके फोल्डर्स क्रिएट होंगे ओके अभी यहाँ पे आपके अलग अलग ऑप्शंस है ये एक है क्रिएट न्यू रिपोजिटरी, ओके मतलब जैसे हम न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं ना वैसे न्यू फोल्डर क्रिएट करना ओके अगर आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वो ओपन करने के लिए क्लोन मतलब जहाँ पे अगर आपको कोई ऑनलाइन किसी का कोड कॉपी करना है ओके तो मतलब उसको क्लोन बोलते हैं और क्लोन गीटअप ये क्लोन रिपोजिटरी गया, और क्लोन गीटअप ये काइंड ऑफ सेम ही है ओके तो हम फर्स्ट से जाते हैं फर्स्ट क्रिएट न्यू रिपोजिटरी। ओके तो यहाँ पे मैं डायरेक्टरी सेलेक्ट करूंगा कि मुझे कहाँ सेव करना है तो so डी में जाके यहाँ पे मैं एक एक फोल्डर बना देता हूँ गिट क्लास ओके उसके अंदर मैं मेरा नया वाला कोड डालूंगा ओके यहाँ पे आ गया और मैं इसको बोलूंगा अभी ये सेटिंग यही रहने तो पर्सनल रिपोजिटरी और इसको बोलो क्रिएट ओके okay. अभी हमारे पास उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है तो ये एम आ गया तो इसको मैं बोलूंगा ओके okay. ओके okay. तो यहाँ पे ये ओपन होने के बाद हमारा यहाँ पे दिखेगा गिट क्लास और जो मेन कॉपी होता है आपका उसको मास्टर बोलते हैं मास्टर ओके तो ये हो गया फिर आप अगर फाइल डायरेक्टरी में जाके देखते हो पे कुछ आया नहीं ओके गिट क्लास नाम का ही आ, ये रिपोजिटरी ओपन हुआ है ओके okay? okay, ये ये खुद ही हमने क्रिएट किया है गिट क्लास उसके अंदर हमने कुछ क्रिएट नहीं किया अभी अगर मैं आ, इसके अंदर सपोज मैं अभी कोड लिख रहा हूँ राइट right? तो अगर मैं इसमें जाता हूँ इसमें मैं अभी के लिए रीड फाइल लिखता हूँ ओके रीड रीड वाली फाइल है मतलब नॉर्मली टेक्स्ट फाइल समझ लो टेस्ट रीड करके सेव कर देता हूँ मैं इसको ओके okay? मैंने मैं, मतलब ऐसे समझ लो कि मैंने कुछ कोड लिखा है यहाँ पे ओके okay? और आप अगर यहाँ पे जाते हो तो आपको अभी यहाँ पे देखना यहाँ पे कमिट करके एक दिखेगा पहले ये ज़ीरो होता था अगर मैं वापस से इसको अगर डिलीट कर देता हूँ ओके तो यहाँ पे देखना कि इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे ज़ीरो आएगा मतलब अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है ओके अगर मैं आगे चल के इसमें कुछ कोड लिखता हूँ मेरा ओके जावा क्लास कर कैसे लिख देता हूँ और उसमें मैं समझ लो कि मैंने कुछ कोड लिखा है तो यहाँ पे आपको अभी देखेगा मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे आपका एक कमिट एक दिखेगा ओके अगर मैं उस पर क्लिक करने के बाद आगे चल के कुछ और प्रोसेस होते हैं मैं आपको बताऊंगा ओके तो फर्स्ट आपका क्या है आपका एक मास्टर ही है जो आपका मेन ब्रांच मेन रहता है जैसे एक पेड उगता है तो उसका मेन ब्रांच रहता है राइट स्टार्ट में तो ये मास्टर उसका मेन रहता है और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं आपको जितने इम्पोर्टेंट है मैं आपको अभी बोल देता हूँ अभी ये फर्स्ट आपका आ गया एक फाइल आपने डाल दिया तो फिर उसको क्या करना होता है कमिट करना होता है मतलब इसके अलग अलग स्टेज है मतलब एक बार फाइल आपने लिख दिया कुछ तो उसको फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं कमिट करते हैं तो अगर आप कमिट पे क्लिक करते हो तो ये ऐसे आ जाएगा तो यहाँ पे जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें आपको दिखेगा कि आपकी कौन कौन सी न्यू फाइल है ओके ये अभी मेरी न्यू फाइल है तो यहाँ पे ऐड का बटन आएगा मतलब ये न्यू है तो करना होता है, करना होता होता है, है, तो मतलब ये मुझे आगे, आगे भेजना है ओके इसको मुझे ये कोड मुझे सेव करना है ऐसे समझ लो ओके तो अभी आपने दो टर्मिनोलॉजी देखी एक था कमिट ओके कुछ सेव करने के लिए हम बोलते हैं कमिट करना है मुझे इसको और जो जो फाइल मुझे चाहिए वो मैं स्टेज एरिया में डाल देता हूँ ये स्टेज एरिया है ओके okay, मतलब जो कोड मुझे मतलब मैंने सपोज कंसिडर करो मैंने दो चार फाइल अलग अलग लिखी है okay. मेरे मैंने दो क्लास लिखी हैं। बट मुझे अभी एक क्लास मेरा मेरा पूरा नहीं हुआ है आ, इसका कोड कंप्लीट नहीं हुआ ये मुझे कोड कंप्लीट हुआ है वो मुझे आ, सेव करना है ये वाला पूरा सेव नहीं करना मतलब दूसरों को नहीं देखना चाहिए तो यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करोगे तो ये भी आ जाएगा अभी मैंने बस इसको ऐड किया है स्टेज एरिया में मतलब जो मुझे सेव करना है और उसके बाद आता है यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन कमिट, कमिट तो और एक पुश और एक ये हो गया पुश मतलब ये आ, कमिट मतलब लोकली सेव होता है और पुश मतलब ये आ, जो आपने रिपोजिटरी दिखा दिखाया था मैंने आपको वहाँ पे ऑनलाइन ब्राउजर पे उस पर चला जाता है तो ये मैं डाल देता हूँ फर्स्ट ये आपको थोड़ा हेवी लगेगा स्टार्ट में और एक, एक दो बार हम इसको रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ओके मैं कमिट एंड पुश करता हूँ Yes. अभी क्या है रिमोट रिपोजिटरी मतलब अभी हमने इसको लोकल पे क्रिएट किया था राइट बट हमारा ऑनलाइन उन, कहीं पे भी हमने इसके लिए कुछ आ, ये बनाया नहीं है मतलब कहाँ पे हमें सेव करना है रिपोजिटरी नहीं ओके तो ये ऑनलाइन कहाँ पे सेव करेगा उसके लिए अभी ये पूछ रहा है पुश के लिए क्योंकि पुश मतलब ऑनलाइन डालना है हमें कमिट मतलब लोकल पे डालना है पुश मतलब ऑनलाइन डालना तो इसको ये बोल कि आपका रिप, रिमोट रिपोजिटरी मतलब रिमोट मतलब ऑनलाइन वाला रिपोजिटरी नई क्रिएटेड है तो आपको वो करना है कि मैं बोलूँगा यस तो अभी ये यूआरएल पूछेगा मुझे तो मैं क्या करता हूँ एक मैं यहाँ पे एक न्यू रिपोजिटरी बना देता हूँ ऑनलाइन पे तो यहाँ पे बनाने के लिए एक न्यू ओके मैं इसको बोलता हूँ कि टेस्ट जावा ओके ये पब्लिक करना पड़ता है अगर प्राइवेट करते हैं तो आ, मतलब प्राइवेट अलाउड नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप फ्री अकाउंट यूज कर रहे हो तो और ये हमें जरूरत नहीं है कुछ ज़्यादा तो मैं क्रिएट रिपोजिटरी बोल देता हूँ तो यहाँ पे आपकी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई ओके तो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि टू अ न्यू रिपोजिटरी ऑन अ कमांड लाइन हम ये सारे ऑपरेशन करने पड़ते हैं। गीट इनिशलाइज एड कमिट, ब्रांच तो अभी हमने क्या किया है इनिशलाइज मतलब ये जो हमने यहाँ पे किया था सबसे पहला वाला ऑपरेशन कहा गया जो सबसे पहले किया था राइट क्रिएट न्यू रिपोजिटरी फिर एड मतलब यहाँ पे हमने एक क्लास एड किया फिर उसके बाद हमने क्या किया कमिट पे क्लिक किया था राइट फिर कमिट पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ ऑपरेशन लिखा था राइट फर्स्ट कमिट ये फर्स्ट कमिट और उसके बाद ब्रांच तो ठीक है हम ब्रांच नहीं बना रहे नया यहाँ और आ, अभी ये वाला जो ऑपरेशन है गिट एड रिमोट तो अभी रिमोट का हमें ये वाला यू मिल गया ओके यहाँ पे डाल देता हूं ओके okay, ये मैंने सेव कर दिया रिमोट रिपोजिटरी अभी ये उसने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया कि वो रिमोट पे सब चीजें डालेगा ओके डन क्या मैं इसको क्लोज करता हूँ ओके okay, अभी योर अभी सेम ही ब्रांच में हमें क्रिएट करना है कि वो बोल रहा है तो मैं यस yes कर देता हूँ इसको भी यस yes कर दो तो अभी वो मेन प्रोसेस चालू हो जाएगा पुश वाला जो मुझे मेरा जो लोकल वाला जावा डॉट क्लास था वो वहाँ पे डालना है तो अभी वो पूछेगा साइन इन करना पड़ेगा शायद साइन इन विथ योर ब्राउजर मतलब ये थोड़ा लंबा स्टेप से दो चार हम और एक बार इसको करते हैं ऑथराइज किया ओके okay, ओके okay, तो फिर यहाँ पे सक्सेस होने के बाद यहाँ पे भी सक्सेस हो गया ओके okay, तो मेरा देखो यहाँ पे मास्टर ये मैंने क्रिएट किया है फर्स्ट कमिट वाला ओके अगर आप ये वाला सेम जाके देखते हो सॉरी इस पे अपने गेट पे, कि मैं अभी ये वाला क्रिएट हुआ था राइट हमारा इसको मैं जस्ट रिफ्रेश करता हूँ अभी देखो मेरा ये फाइल ऑनलाइन यहाँ पे अवेलेबल हो गया राइट तो सेम मैं क्या करता हूँ हमारा जो जावा का कोड था सपोज कंसीडर करो कि ये सेलेनियम वाला कोड है तो ये हमारा पूरा कोड था मैं इसको ये वाला कोड था मैं इसको पूरा कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पे ओके okay. मतलब ये ये मेरा पूरा का पूरा कोड मैंने मतलब ऐसे कंसिडर करो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था मैंने यहाँ पे पूरा कॉपी कर दिया और मैं अभी इसको गिट एक्सटेंशन पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखना कि कमिट आ गया देखो 56. मतलब मैंने 56 फाइल्स ऐड किए हैं पूरे कि पूरे 56 फाइल्स हैं जितने भी हमने क्रिएट किए थे ओके okay, तो मुझे ये क्लास पाथ फाइल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इक्लिप्स की फ़ाइल होती है उसको मैं वापस से अनस्टेस्ट कर देता हूँ उसको मुझे ऐड नहीं करना है आ, ये भी मुझे लगता है सेटिंग्स की फाइल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है डॉट प्रोजेक्ट में क्या होता है ये रहने दो ठीक है अभी मेरा जो है मैं करता हूँ कि सेलेनियम कोड यहाँ पे कमिट मतलब आप कुछ भी कोड डालते हो तो उस कोड का कुछ मीनिंग होगा राइट आपने कुछ तो भी नया ऐड किया होगा वैल्यू तो वो समझने के लिए यहाँ पे एप्रोप्रिएट कमेंट डालना पड़ता है तो मैं क्या बोलता हूँ कि सेले नियम कोड ठीक है और ऐसे करके डाल देता हूँ अभी मैं इसको वापस से कमिट एंड पुश एक साथ ही कर देता हूँ मतलब अभी ये मेरा पूरा का पूरा कोड वहां पे जाना चाहिए तो अभी ये पुश हो रहा है अगर इसमें कुछ एरर आती है तो एर आ सकती है कुछ फाइल अलाउड नहीं रहते हैं कुछ टाइप के फाइल्स पुश करने के लिए जैसे डॉट ई फाइल जो होती है वो हम इसमें नहीं डाल सकते हैं तो अगर उसमें कुछ ऐसे फाइल्स हैं कि जो अलाउड नहीं है तो एरर दे आ सकता है हमें ये एक सी फाइल्स दिख रही है आपको मे भी इसके लिए एरर आ सकता है देखते हैं अच्छा रिमोट एंड हंग अनएक्सपेक्टेड ये हुआ है या नहीं देख लेते हैं एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करके ओके okay. ये कोड हमारा गया नहीं है क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज थे तो मैं इसको इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं रिवर्ट दिस कमिट मतलब मुझे वो कुछ मैंने ऑपरेशन किया तो मैं मैं उसको रिवर्ट कर सकता हूँ मतलब यहाँ पे ऑप्शन होता है कि रिवर्ट अलग अलग ऑप्शन हैं रिवर्ट मतलब मैंने जो किया था जैसे हम अंडू करते थे वैसे रिवर्ट वाला ऑप्शन होता है सॉरी <coughs> फिर से मुझे यहाँ पे कमिट आ गया तो इस बार मैं वापस से क्या करता हूँ वो वाली जो फाइल्स थी डॉट ई वाली मैं वो नहीं डालता हूँ Okay. ये थोड़ा आगे चल के थोड़ा कंफ्यूजिंग ही रहता है ओके okay. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वो एक बार मैं स्टेप्स यहाँ पे डाल देता हूँ तो एक है ऑनलाइन वाली स्टेप की आपको क्रिएट न्यू रिपोजिटरी करना है ऑनलाइन ओके और सेम सेकेंड की ऑफलाइन आपको यहाँ पे भी क्रिएट नहीं तो हम मतलब एक स्टेप अगर ऑनलाइन कर देते हो तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन करने की जरूरत भी नहीं रहती है यहाँ पे बस आपको क्या करना है सेकेंड स्टेप आप बोलोगी okay, यहाँ पे अभी एरर ही आ रही है ये हम अभी के लिए रहने देते हैं आप अभी मैं वापस से आपको आ, कि हम करके देखते हैं ओके फर्स्ट टाइम अभी आपको कितना समझ में आया इसमें इतना ही समझ में आया कि इसको डाउनलोड करना है फिर कोड बनाना है और क्या है ओके ठीक है जैसे अभी समझ लो कि मैं वापस से करता हूँ ओके रिपोजिटरी में गया तो फर्स्ट क्या करना है आपको यहाँ पे ऑनलाइन एक लॉग इन करना है ओके तो एक स्टेप बाय स्टेप डाल देते हैं यहाँ पे फर्स्ट लॉग इन टू तब, ये स्टेप है आपका क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी तो रिपोजिटरी में जाना है यहाँ पे न्यू बोलना है ओके मैं यहाँ पे डालता हूँ ये मैंने नाम डाल दिया पब्लिक किया रखा और न्यू रिपोजिटरी किया ओके तो क्रिएट करने के लिए उन्होंने बोला कि ये स्टेप फॉलो करना है आपको ओके okay. तो उसके लिए क्या होता है ऑन कमांड लाइन तो हम क्या करते हैं अभी uh, दो वेज है हमारे पास एक तो ये जो कमांड लाइन है ये यहाँ से करो नहीं तो ये गिट एक्सटेंशन है यहाँ से करो ओके okay. तो आपको आ, इसी से दिखाता हूँ इसमें इस, इस से तो हमने कर दिया था न्यू न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करो और ये वैसे तो यहाँ पे हम यहाँ से जाते हैं ओके यहाँ पे हमें कमांड भी दिए हुए हैं ओके तो मैं ये फर्स्ट डालता हूँ ये ये फर्स्ट की ज्यादा जरूरत नहीं है और इसको कहाँ पे डालना है वो भी हमें चाहिए होता है पाथ तो कंसिडर करोगे सपोज मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ गेट फॉर क्लास और, और इसके अंदर एक फोल्डर डालता हूँ कि सेलेनियम गेट कोड ओके ये हमारा मेन मेन है ओके इसके अंदर हम सब कोड डालेंगे इसको मैं यहाँ से

अभी जो जो कमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे डायरेक्टली डाल दो गेट ओके init. okay. हो गया हमारा गेट यहाँ पे कुछ आया नहीं अभी तक ओके okay. तो सेकेंड है कुछ तो भी एक फाइल ऐड करो ओके okay. जैसे यहाँ पे रेडमी डॉट एम करके है और हम कुछ अब जैसे मैंने पहले ज, जावा डॉट किया था राइट जावा क्लास फाइल वैसे ही यहाँ पे हमें कोई भी एक फाइल ऐड कर सकते हो रीड फाइल देता मैं उसको डॉट मैच एनी फाइल मुझे लगता है कि पहले हमें क्रिएट करनी पड़ेगी खुद से ओके ये हो गया एक-एक फॉलो okay. कर रहे हैं तो सेकंड के लिए क्या करना है एक मैं ऑलरेडी यहाँ पे न्यू फाइल बना देता हूँ जावा टेस्ट रीड ओके अभी हमारी ये फाइल है मैं कुछ टाइम पास लिख देता हूँ ऐसे ही okay. और ये हमारे टेक्स्ट फाइल है राइट तो मैं वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ पेस्ट का ऑप्शन नहीं होता यहाँ पे हां पेस्ट अभी ये फाइल क्रिएटेड थी तो एक याद रखना है कि ऐड करने के पहले हमें एक फाइल क्रिएट भी करनी है ओके okay? तो वन पॉइंट है क्रिएट वन फाइल इन तो ये ये एड मतलब ये फर्स्ट टाइम हमने क्या किया इसको हमें वहाँ पे ऐड करना इसलिए इसको पहले ऐड करते हैं मतलब एक्सेप्ट करते कि वो फाइल वहाँ पे है फिर उसके बाद हम उसको करना पड़ता है कमिट ओके okay? जो हमने इसमें डॉट करके कमिट का बटन यूज किया था वैसे ही यहाँ पे ये करना पड़ता है तो गीट एम ये फॉर्मेट इसको ये आपको याद रखना है और आप कुछ भी कमिट मैसेज डाल सकते हो माई जावा फर्स्ट कोड जस्ट इसको डबल कोड्स में डालना है आपको ओके हाइफन एम के बाद और मैं यहाँ पे एंटर कर देती तो मतलब अभी ये लोकली सेट हो गया कि मुझे इसको भेजना है मतलब ये जब आप अगले वाला ऑपरेशन करोगे पुश तो ये वही फाइल कंसिडर करेगा जो आपने कमिट किया है ओके okay? और जो आपने ऐड किया है और एड के बाद जो कमिट किया है वही फाइल जाएगी अगर उसके बाद आप यहाँ पे और कुछ फाइल डालते हो तो वो फाइल आपकी कॉपी नहीं होगी सर्वर पे राइट जो फाइल आप एड करोगे और करने के बाद कमिट वही फाइल आपकी जाएगी। अगर यहाँ पे बहुत सारी फाइल पड़ी हुई है ओके बहुत सारी फाइल लिखी हुई है सबको आपको ऐड करना है तो क्या करना पड़ता है ऐड के बाद एक सेंटेक्स आता है डॉट करके अगर डॉट कर दोगे तो वो क्या करेगा सब फाइल को ले लेगा ओके सब फाइल का नाम लिखने की आपको जरूरत नहीं है तो ये पूछते हैं कभी कभी गिट एड डॉट का क्या होता है ओके तो फ्रेशर के लिए आपको ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं बट आपको नॉर्मल ये वो बोलेगी कि आपको कोई फाइल सबमिट uh, करना है तो क्या स्टेप्स रहेंगे तो आप बोलोगे कि फ, पहले उसको ऐड करना है फिर ऐड होने के बाद वो स्टेजिंग में ऐड हो जाता है फिर उसके बाद आपको कमिट करना है ओके कमिट का सिंटेक्स क्या है गीट कमिट हाइफन एम और कमिट मैसेज ऐड का सिंटेक्स क्या है गीट एड फाइल नेम ओके फिर उसके बाद आपको एक तो वो आप ब्रांच क्रिएट कर सकते हो नहीं तो विदाउट ब्रांच भी आप कर सकते हो तभी हम ब्रांच में नहीं जाते डायरेक्टली ये वाला सिंटेक्स लिखते हैं ओके okay. मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्टली अभी ये ये जो लोकेशन है ये हमारा जो नया प्रोजेक्ट बनाया था उसका लोकेशन है इसलिए वो हमें यहाँ पे डालना है तो गिट रिमोट रिमोट मतलब हमें यहाँ पे सर्वर पे भेजना है ऐड ओरिजिन ओरिजिन मतलब जो ओरिजिनली फाइल था जो मेन फाइल है उसमें और ये उसका पाथ okay, मैं इसको एड कर देता हूँ ये हो गया ऐड अभी मैं इसको पुश करना होता है अब इसको पुश मतलब ये फाइनल ऑप्शन है कि इसको भेज दो ओके okay. गिट uh, पुश है उसके बाद ओरिजिन मेन पुश मेन नहीं डालता हूँ मैं डायरेक्टली मेन मतलब ये फाइल नेम था हमने ये फाइल नेम ये ब्रांच क्रिएट नहीं किया राइट right? इसलिए हम मेन को स्किप कर सकते हैं तो मैं मैं सिर्फ ओरिजिन डालता हूँ okay? तो ये हाँ तो ये क्या बोल रहा है कि ओरिजिनली आपका मास्टर है ओरिजिन मास्टर लिखना पड़ेगा जो भी ब्रांच में डालना है वो ब्रांच का नाम लिखना पड़ता है यहाँ पे गिट पुश हाइफन यू और जो ब्रांच जो भी आपका मेन ब्रांच रहेगा जिसमें डालना है वो वहां पे ये ब्रांच लिखना पड़ता है और ये लोग भी एक सिंटेक्स अगर कुछ होता है कि ये अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये लोग भी सिंटेक्स प्रोवाइड करते हैं ओके okay. तो ये आपका हो गया पुश अग, अगर आप अभी इसको अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आपको ये मिल जाएगा कि आपकी फाइल यहाँ पे चली गई है ओके अगर सेम वे ओके सेम वे सपोज ये किसी किसी और ने क्रिएट किया था जैसे अगर मैंने इसको क्रिएट कर दिया ओके और मैं इसका पाथ आपको दे देता हूँ इस रिपोजिटरी का आपको अगर इसको डाउनलोड करना है ओके यहाँ पे जाना है फर्स्ट फोल्डर पे ओके यहाँ पे आपको कोड दिखेगा अभी देखो मेरा सेलिनियम इसमें ये मेरा कोड है ओके okay, समझ लो कि ये मेरे पास नहीं है और आप लोग ये काम कर रहे हो राइट तो मैंने आपको ये यूआरएल दे दिया आपको ये मेरा कोड कॉपी करना है तो आपको क्या करना है कोड पे जाना है ओके okay, ये वाला यूआरएल कॉपी करना है इसको ओके okay? और फिर आपको अभी कौन से फोल्डर में डालना है जैसे समझ लो कि मैं और एक फोल्डर देता हूँ क्लोन सेलेनियम नाम लिख देता हूँ मैं इसका कि यहाँ पे मुझे डालना है तो यहाँ पे डालने के लिए मैं क्या करूँगा गेट बैश शेयर करूँगा मतलब मेरा यहाँ पे गेट बैश वाला ओपन हो जाएगा ओके और मैं यहाँ पे डालूंगा क्लोन गेट ये वाला क्लोन के लिए ये वाला सिंटेक्स है गिट क्लोन और जो हमने यहाँ से कॉपी किया था राइट ये एच वाला पाथ वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा ओके okay, और मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरा ये स्पेलिंग गलत हो गया ओके अभी क्लोनिंग हो गया अभी देखो यहाँ पे अगर आप जाओगे इसके अंदर मेरा ये फाइल आ गया देखो जावा टेस्ट रीड अभी देखो ये दो फोल्डर है ये जो था सेलिनियम गिट कोड ये मेरा इसके अंदर आ गया जावा टेस्ट रीड और सेम आपको यहाँ पे भी मिलेगा राइट right. मतलब ये कोड मैंने मैंने यहाँ से डाला और यहाँ पे मैंने उसको क्लोन कर दिया ओके okay. अभी सपोज कंसीडर करो कि यहाँ से मैंने इसमें और एक फाइल ऐड कर दी टेस्ट कैट किया अभी मुझे इसको भेजना है ओके तो उसके लिए मुझे ये वाला है राइट मेरा सेकंड वाला जहाँ पे मैंने क्लोन किया था तो आपको अगर कुछ आ, भेजना है तो उसके लिए अभी ये सिंटैक्स होता है कि गिट आप स्टेटस देख सकते हो कि आपका अभी नोट अ गेट रिपोजिटरी अच्छा ठीक है इसके अंदर जाना पड़ेगा आपको सीडी डी गेट क्लास ओके अभी कैसे था हम यहाँ पे थे राइट गिट गिट क्लोन मतलब यहाँ पे आ गए मेन आपका फोल्डर ये है ओके okay. तो इसके अंदर यहाँ तक जाना पड़ता है तो आपको यहाँ पे मास्टर दिखेगा मतलब आप मास्टर में हो तो अभी मैं डालता हूँ गिट स्टेटस तो अभी मैंने ये न्यू फाइल ऐड की है इसलिए वो ये रेड में दिख रही है ओके okay? तो अभी इसको अगर मुझे भेजना है तो मैं करूंगा git add तो है। okay, ये एड टू गया। फर्स्ट स्टेप आपका ये है गिट add, फिर उसके बाद गिट कमिट एम जो भी मैसेज है आकाश टू कमिट। ओके okay, तो गिट कमिट और फिर उसके बाद लास्ट ये होता है कि गिट पुश पास्टर में डालना है यहाँ पे हमने क्या किया था अच्छा ये पुश वाला सिंटेक्स गलत हो गया हमारा गेट ओरिजिन मास्टर ओके यहाँ पे आपको हाइफन यू की जरूरत नहीं पड़ी सेकेंड टाइम कर रहे हैं इसलिए Okay. तो ये मेरा अभी ये मेरा कोड यहाँ से चला गया तो अभी मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन मैं इसको कर रिफ्रेश करता हूँ ओके okay. ठीक है मेरा ये वाला कोड यहाँ पे आ गया ओके okay. तो ऐसे ही आपको अलग अलग कोड आप डाल सकते हो अभी मैं एक ट्राई करता हूँ कि ये वाला कोड मुझे भेजना है तो सेटिंग वाला फाइल में डालते ही नहीं यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ये ये फाइल मैं अभी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ई एक्सी फाइल का थोड़ा इशू होता है वो आ, हम भेज नहीं सकते एक सी फाइल आपको खुद से डालनी पड़ती है एक काम करता हूँ मैं यहाँ से सर्च कर देता हूँ डॉट ई एक्सी ये दो फाइल इसको मैं डिलीट कर देता हूं अभी है क्या आपके पास नहीं है अभी और कुछ हो सकता है कि मैं देख लेता हूं एक बार ठीक है अभी मैंने वो कहाँ पे ऐड किया कोड अभी मेरे पास यहाँ पे दो रिपोजिटरीज है राइट अभी मुझे कन्फ्यूजन है कि मैंने कहाँ पे किया गेट स्टेटस करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये सब फाइल मैंने ऐड की है ओके तो सेम वे वापस से मुझे एक फाइल कमिट करनी है कुछ फाइल कर, कमिट ज्यादा करने तो मैंने बोला था कि गेट एड डॉट कर दो मतलब ये सब के सब को कमिट कर देगा okay, तो अभी यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आते हैं वो मतलब वार्निंग्स आती हैं कुछ वार्निंग्स ठीक हो जाएगी कुछ प्रॉब्लम नहीं एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी फाइल जा रही है एल एस टी एल एस टी एस टी एम एल एस टी एम एल एक्स एम एल एल मुझे तो अभी ठीक लग रहा है मैं अभी इसको नेक्स्ट स्टेप करता हूँ गिट ऐड के बाद हमारी स्टेप थी गिट कमिट ओके तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोड कमिट ओके इतनी सारी फाइल्स हमारी कमिट हुई है अभी डॉट क्लास फाइल्स हैं ये क्लास फाइल का एरर पता नहीं लेट्स सी जाते हैं कि नहीं फिर हमारी थर्ड स्टेप आती है पुश गिट पुश और मास्टर ओके okay. ओके okay, अभी ये हो गया ओके okay? अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ देखो पूरी की पूरी आपकी जो सेलेनियम का कोड था वो आपको यहाँ पे पूरा आ गया जावा सोर्स ये देखो एक्शन वाला क्लास वगैरह सब अभी मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ तो यहाँ से आप ये पूरा का पूरा कोड कॉपी कर सकते हो क्लोन करके यहाँ पे क्लिक करो कोड में जाओ एस वाला कॉपी करो और आ, वो क्लोन का जो मैंने बोला था सिंटेक्स वो तो मैं यहाँ पे आपको एक 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 करके एक सिंटेक्स लिख देता हूँ यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि नहीं हो अगर आपको कोई वापस से ये फर्स्ट टाइम के लिए ये सब ऑपरेशन हो गया सेकेंड टाइम के बाद अगर आपको कोई कोड ऐड करना है ओके कोई कोड पुश करना है तो उसके लिए सिंटेक्स क्या है फर्स्ट आपको करना है गिट एड ओके एड और यहाँ पे आपका आएगा फाइल नेम सिंगल फाइल है तो आप फाइल नेम डालो अगर सिंगल फाइल नहीं है आपको सबका सब करना है तो डॉट डॉट लिखना है ओके और उसके बाद सेकेंड है हाइफन एम और यहाँ पे आएगा आपका कमिट मैसेज ओके फिर आपका थर्ड आएगा गिट पुश Master. Okay. आपको आ, क्लोन करना है okay? मतलब डाउनलोड करना, okay. तो करना है जो भी फाइल में डाउनलोड करना है उस फाइल में आप जाके क्या करोगे राइट क्लिक करके गिट बैश वाला ओपन करोगे ओके okay? फिर उसके बाद गिट बैश ओपन हो जाएगा ये वाला कमांड फ्रॉम आपका ये वाला तो यहाँ पे फिर आपको कमांड लिखनी है फर्स्ट क्या गीट गीट क्लोन और जो आप आपने एच टी टी पी कॉपी किया था यहाँ से यहाँ से जो एच टी टी पी एस पाथ कॉपी किया था वो पाथ आपको यहाँ पे डालना है डबल कोड में नहीं डालना है डायरेक्ट ही डाल देना है ओके okay, तो ये ये करने के बाद आपका कोड ऑटोमेटिकली आपके उस वाले फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा ओके okay? और उसके बाद आपको वापस से पुश करना है ओके आपने यहाँ पे कुछ ऐड किया वापस से अगर पुश करना है तो सेम यही प्रोसेस है गिट ऐड कमिट पुश ओरिजिन मास्टर ओके मास्टर क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे क्योंकि हमारा मेन कोड अभी मास्टर में है ब्रांच अपने मास्टर है ओके तो अभी के लिए आपको इतने कंसेप्ट गिट के लिए ठीक है क्रिएट अ ब्रांच वगैरह आप थोड़ा एडवांस कांसेप्ट हो जाएगा आप को देख सकते हो और हम बाद में ले सकते हैं तो देखेंगे बट अभी इतना समझ में आ गया रेट तो आपको आप एक बार इसको ट्राई करके देखो घर पे अगर कुछ इशू आता है तो देखते हैं और इसमें ही इजी है अगर आपको स्मॉल स्मॉल ये कोड और कमांड याद रहते हैं सर यस हेलो सर सर उसका काम क्या है, सर? बस यही थाय, अगर आप देखोगे हमारे मतलब जो भी आप में काम करते हो तो उस प्रोजेक्ट में डेवलपर कोड लिखेंगे राइट और फिर कोड लिखने के बाद एक डेवलपर थोड़ी रहता है बहुत सारे डेवलपर रहते हैं राइट अगर मुझे अभी आपको कोड देना तो मैं क्या करता हूँ व्हाट्सएप पे और कहीं पे आपको वो फाइल शेयर कर देता हूँ राइट बट बड़ी बड़ी फाइल होती है बहुत सारा कॉम्प्लेक्स ये होता है राइट उसमें तो उसमें आपको करने के लिए जैसे अभी ये ये वाला कोड आपने देखा था ये ये कितना बड़ा कोड है आप आप कैसे मैनेज करोगे राइट तो यहां पे हर एक का जिसने भी काम किया होगा उसका उसका नाम यहाँ पे आ जाता है किसने क्या कमिट किया क्या किया हर एक का अगर आपने कुछ कोड लिखा होगा तो वो कोड लिख के आ जाएगा अब ये हर एक अलग अलग फंक्शनैलिटी के अलग अलग कोड लिखे लोगों ने इसने 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 लिखा है ये कोड कमिट किया एक्चुअली इसमें क्या क्या चेंजेस किए वो सब समझ में आता है, ओके okay. मतलब इसकी बहुत सारी फंक्शनैलिटी है आप वो कर सकते हो मतलब एक यूजर ने कोड किया तो वो दूसरा यूजर कर सकता है दोनों यूजर का कोड एक साथ हम एक जगह पे रख सकते हैं और उसके बाद फिर यहीं से अगर किसी को ये कोड रन करना है तो यहीं से वो कॉपी करके उसको रन कर देगा आपको किसी को जाके पूछने की जरूरत नहीं कि मुझे कोड दे दो ऐसे करो ऐसे करके हर एक का काम होता है कि दिन भर में जो भी कोड किया होगा आपने अगर वो कोड स्टेबल है तो यहाँ पे जाके डाल दो जिसको चाहिए वो देखेगा और उसको यूज करेगा और उसी को फिर बिल्ड बन के आगे चल के उसके ऊपर काम होता है तो ये कोलाबरे uh, मतलब हर एक के लिए प्लेटफॉर्म होता है तो यहाँ पे भी आप अलग अलग मतलब देख सकते हो कि कोड क्या है गिट इनमेंट एक गिटेस हमने यूज किया था गिट देखने के लिए कि क्या क्या हमारा नया कोड ऐड हुआ है नहीं फिर गिट कमिट। ओके फिर ब्रांच क्या होता है अगर दो लोग काम कर रहे हैं अलग अलग फंक्शन पे काम कर रहे हैं तो क्या करते हैं वो एक अलग ब्रांच क्रिएट कर देते हैं कि मैं इस पे काम करूंगा तुम तो उस पे काम करो मतलब हम हमारा दोनों का कोड एक साथ मिक्स नहीं होगा ऐसे करके ब्रांच भी बना सकते हैं हम लोग तो वो ठीक है, तो है आप रियल टाइम किसी प्रोजेक्ट में काम करोगे तो तब जाके आप इसको रेफर करोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा ये धीरे धीरे ओके तो आप अगर रिज्यूम में भी, भी डालते हो कि गिट आता है और आपको पूछते हो कि आपने गिट पे क्या काम किया है तो आप बोल सकते हो कि मैंने खुद से पढ़ा था लाइक के नॉर्मल कमांड्स क्या होते हैं कि स्मॉल क्रिएट किया था फिर उसके ऊपर रिपो, हो गया फिर मैंने हाउ टू पुश अ कोड इनिट्री वो पुश किया था फिर मैंने किसी का अगर कोड है वो डाउनलोड करने के लिए क्लोन वाला ऑपरेशन किया है ओके और एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है इसमें कि आप कंपेयर कर सकते हो मतलब कंपेयर कर सकते हो कि आपका कोड और दूसरे का कोड अगर सेम सेम है तो कंपेयर कर सकते हो और एक दूसरे के कोड को अभी जैसे आपने भी कुछ डाल दिया और किसी ने भी डाल दिया राइट तो दोनों का कोड एक साथ मिक्स होना चाहिए राइट तो उसको मर्ज ऑपरेशन बोलते हैं तो कंपेयर मर्ज ये अलग लोग होता है बट आप बोल सकते हो कि ये मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है बट मैंने बेसिक पढ़ा था मतलब आप सामने वाले को भी अच्छा लगे इस, इसने गिट का पढ़ा है और इसको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है करके ओके okay. तो एक पॉइंट था yes. आ, आप डाल सकते हो और आप आप बाद में आप अगर कुछ मोर वीडियोस और प्रैक्टिस भी कर सकते हो तो आपको ज्यादा उसमें समझ में आ जाएगा बट इसमें ज्यादा टाइम ये करने की जरूरत नहीं।, नहीं है और आपको फिर ये आपने बोला तो आपको ये वाली कमांड याद रहने चाहिए कि गिट एड का कमांड ये है और डॉट का मतलब होता है कि सब फोल्डर ऐड कर दो फिर गिट कमिट का सिंटेक्स ये है पुश का सिंटेक्स ये है क्लोन के लिए गिट क्लोन का सिंटेक्स ये है मतलब एक दो तो, तीन चार चार सिंटेक्स आपको इम्पोर्टेंट है ठीक है अभी के लिए हम मतलब यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं एक बार नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इसमें हम और कुछ न्यू टॉपिक देखते हैं